हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हियर इज माय व्लॉग जहाँ पर हम सुबह का नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ते में अभी सिर्फ अम्मी पापा और हम ही उठे थे, तो ये है मेरी अम्मी और पापा का हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। और हमने यहाँ पर बस सिंपल ब्रेड में बटर लगा लिया है और उसी को हम चाय के साथ खाएंगे। टोस्ट जिसे पसंद हो खा ले। तो ये व्लॉग है, काफ़ी दिन बाद हम अपलोड कर रहे हैं क्योंकि व्लॉग्स तो होने ही चाहिए। यहाँ पर हम सुभान के लिए, यानी हम अपने भाई के लिए ग्रिल चीज़ सैंडविच बना रहे थे। वो आजकल उसे भूत सवार हो चुका है कि उसे हर सुबह बस यही खाना है और उसे कुछ भी नहीं खाना है। तो उसका यही रूटीन चल रहा है आजकल, हफ्तों से यही चल रहा है कि उसे हर सुबह बस यही खाना होता है, ग्रिल चीज़ सैंडविचेस जो हम बनाते हैं। और उसकी सुबह का आगाज़ ही इस तरह के ब्रेकफास्ट से होता है। उसे हम यहाँ पर बड़ी ही शान से कट करते हुए, जो कि पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। पिज़्ज़ा कटर से आपको प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए होती है, अगर आप दोबारा से ऐसे करते हैं तो थोड़ी सी लाइन बिगड़ जाती है। खैर कोई बात नहीं, घर ही की बातें जाने दें। उसके बाद हमने ये ब्रेकफास्ट अपने भाई को दिया और अब दोपहर का वक्त है। तो दोपहर के वक्त में यहाँ पर तैयारियाँ होने में लगी हुई हैं बिरयानी की। बिरयानी बन रही है चिकन की। तो चिकन को यहाँ पर हमने पहले बॉईल कर लिया था थोड़ा सा फूड कलर डाल के, क्योंकि उसमें जो एक स्मेल होती है वो निकल जाए। और हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला हुआ था थोड़ा सा, और इसे थोड़ा सा हाफ बॉईल कर ही हमें इसे ड्रेन कर देना है, कुछ भी नहीं बचाना। बिरयानी की रेसिपी अपलोड है इसीलिए हम इसे अपलोड नहीं कर रहे हैं। बिरयानी की रेसिपी यहाँ पर, हमारी बिरयानी ऑल टाइम फेवरेट हमारी रेडी हो जाती है। मेरे और मेरे भाई की तो ऑल टाइम फेवरेट है, हर दो दिन में हमारे यहाँ बिरयानी ज़रूर बनती है। तो ये हम लोग कुछ शॉपिंग पे जा रहे थे। शॉपिंग पे एक्चुअली अम्मी को कुछ क्रॉकरी लेनी थी और तो इसलिए हम जा रहे थे। मौसम का मिजाज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इस वक्त हम थोड़ा टेंशन में थे क्योंकि हमारी जो दोनों कैट्स थी हम उन्हें घर में पहली बार अकेले छोड़कर आए हुए थे। तो ये स्टोर है जिसके बाहर हम लोग बैठे हुए हैं। स्टोर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कोरोना को लेके कुछ ज़्यादा ही प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पापा ने कहा कि आप लोग बाहर ही बैठो कार में। और वही लोग अम्मी और पापा ही अंदर गए क्योंकि वहाँ पर स्टोर में किसी को अंदर जाने को नहीं मिल रहा है। जो भी आपको चाहिए आप बाहर से ऑर्डर करो, आपको सामान मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई अंदर जाए और चूज़ करे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको बस अपना सामान बोलना है, वो आपको लाकर दे देंगे। इसे टाइम सेविंग भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि आपको अपने मन का सामान नहीं मिल सकता। जब आप चार चीज़ देखते हैं तो आपको एक चीज़ पसंद आती है, लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन है तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हम सब घर की तरफ लौट रहे हैं और यहाँ पर अभी हम गेट अनलॉक करेंगे क्योंकि इसी में हमारी दोनों कैट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी, हम लोगों से बात ही नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी हम लोगों से। हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो नाराज़ हो चुके थे। फिर वो मान गई, थोड़ी देर बाद वो भी मान गई। तो ये पहली बार था जब हमने अपनी कैट्स को इस तरह से अकेले छोड़ा हुआ था, जिससे कि वो काफ़ी नाराज़ हो चुकी थी शायद। और ये अभी आकर हमने फिर फटाफट से चाय बनाई क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था चाय का, और किचन भी मतलब दोपहर का जो भी था ऐसे समेटा हुआ नहीं था। हम लोग ऐसे ही स्टोर चले गए थे तो यहाँ पर बस उसकी सफाई करते हुए, और हमने शाम के वक्त था तो हमने चाय बनाई। और यहाँ पर हमें बनाना की क्रेविंग अचानक से रास्ते में ही होने लगी, तो हमने पापा से कहा प्लीज़ आप हमारे लिए बनाना ले दें। तो उन्होंने बनानास लिए मेरे लिए, और यहाँ पर मेरी बहन जो है उसके लिए समोसे और गुलाब जामुन उसके फेवरेट है, जिसका उसने अवन में रख के उनका भरता बना दिया। और यहाँ पर हम बनाना क्रीम बना रहे हैं। एक्चुअली बनती तो फ्रूट क्रीम है लेकिन हमने इसके कई इंग्रेडिएंट्स स्किप करे और जो मेरी फेवरेट इंग्रेडिएंट्स है बस वही डाला। यहाँ पर हमने बनाना और शुगर ली है और अमूल क्रीम ली है, जिसे हमने व्हिप करके, व्हिप नहीं एक्चुअली थोड़ा सा, बस थोड़ा सा व्हिप करके डाला है। तो ये काफ़ी टेस्टी लगती है। तो हम
चाय के साथ आप ये खाएंगे, वैसे तो नमकीन खाया जाता है लेकिन हमें बनाना की क्रेविंग हो रही थी तो हमने कहा ठीक है चलो बनाना क्रीम खा लेते हैं क्या है। तो ये सब हम सामान लेकर हम नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे हैं क्योंकि मेरे अम्मी और पापा नीचे ही बैठे हुए थे, क्योंकि उनका क्या था कि बहुत दिन से वो नीचे नहीं बैठे थे, नीचे वाला फ्लोर हमारा खाली पड़ा रहता है तो नीचे भी उन्होंने कहा कभी बैठना चाहिए, तो वो लोग अभी नीचे ही बैठे थे, हम सब भी नीचे ही बैठे थे। यहाँ पर हम अपनी बनाना क्रीम अपने भाई को भी खिला रहे हैं, शायद उसको पसंद आ जाए, और हाँ उसे पसंद आ गई थी और हमें भी काफ़ी पसंद आई क्योंकि बहुत टेस्टी थी। और अब हम आपको दिखा रहे हैं हॉल जो कि आज हमने अम्मी ने एक्चुअली स्टोर से शॉपिंग की है। तो यहाँ पर अम्मी ने कुछ ग्लासेस लिए हैं, तो अम्मी ने एक ये वाला ग्लास लिया है, ये थोड़ा बड़े साइज़ में था और ये ल्यूमिनार का था, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इसकी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसी तरह के अम्मी ने दो बॉक्सेस लिए थे एक ही तरह ग्लास के, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो अलग अलग तरह के ग्लास लगाने पड़ते हैं, तो अम्मी ने दो बॉक्सेस लिए थे, एक बॉक्स में 6 ग्लास थे और ये वाला ग्लास मेरा फेवरेट था, इतना छोटू सा और क्यूट सा था ना ये वाला ग्लास, बहुत ज़्यादा क्यूट था और हमें तो सबसे ज़्यादा यही वाला ग्लास पसंद आया है। इसके भी अम्मी ने 2 बॉक्सेस लिए थे और यहाँ पर हमसे बंद नहीं हो रहा था तो मेरा भाई हेल्प कर रहा था मेरी। यहाँ पर बोल्स अम्मी ने ली हुई थी, हमारे पास कांच की जो बोल्स थी घर में वो ख़त्म हो रही थी, ख़त्म क्या हो रही थी, हमारे यहाँ मेड है वो उनसे कुछ ज़्यादा ही बर्तन टूटते हैं, तो अब वो भी एक इंसान है हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते, हमसे भी हो सकती हैं ये गलतियाँ, तो अम्मी और ले आई थी। और ये पैन भी लिया था अम्मी ने, इस तरह का पैन वैसे मेरे पास एक था लेकिन फिर भी अम्मी ले आई कि तुम्हें रेसिपीज अपलोड करनी होती हैं तो कुछ अच्छा, हमने कहा चलो ठीक है आप ले लें। तो यहाँ पर पैन ली थी और अम्मी ने कढ़ाई भी ली थी जिसमें मेरा भाई कुछ ज़्यादा ही हेल्प कर रहा है, कह रहा था हमें दो हम खोल कर देंगे हम रिव्यू करेंगे, हमने कहा चलो ठीक है तुम ही कर लो रिव्यू। यहाँ पर उसने रिव्यू किया हुआ है, ये कढ़ाई इसी साइज यही सेम साइज़ की कढ़ाई भी मेरे पास थी लेकिन उन्होंने ले ली क्योंकि उसका। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई थी लिड के साथ, यहाँ पर मेरे भाई ने हमें बोल एक अलग करके दी निकाल के कि आप निकाल कर दिखाएं अपनी ठीक से दिखाएं, तो यहाँ पर वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि इसे इस तरह से दिखाएं। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का नाश्ता। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।